अल्लाह का एहसान है कि इस मरतबा रियासत कर्नाटक में नहीं पूरे देश में हिंदुस्तान में पहली मरतबा हमें एक रोज़े का इजाफा हो गया, 30 रोज़े मिल गए। अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगारा हमें 30 रोज़े मिले। बहुत सारे लोगों के दिलों में तमन्ना थी कि 30 रोज़े मिल जाए, तो अल्लाह ने 30 रोज़े दे दिए। आज ये आखिरी दिन रमजान का, कल से जो है ईदुल्फित्र की तैयारियां आज ही से शुरू हो गई। मैं आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की खिदमत में ईदुल्फित्र की पुरखलूस मुबारकबादी पेश करते हुए मेराजुल मोमिनीन एजुकेशन ट्रस्ट और द मेराज ट्रस्ट की तरफ से तमाम को ईद की पुरखलूस मुबारकबादियां पेश करता हूँ। देखिए, ईद की नमाज का मामला है, हमारे शहर के उलमा इकराम मुफ्तिया निज़ाम ने फरमाया है कि शहर के लॉकडाउन के हिसाब से मसाजिदों में भी और ईदगाहों में भी नमाज ईदुल्फित्र नहीं अदा की जाएगी। अब सवाल यह है कि नमाज के लिए क्या करें, तो उलमा ने फतवा दिया है ईदुल्फित्र की नमाज नहीं होगी। हर मुसलमान मर्द हजरात अपने अपने घरों में, जो बालिग हजरात जिन पे नमाज फर्ज है, ईद की नमाज जिन पे फर्ज है, वो अपने अपने घरों में 2 रकात चाश्त की नमाज पढ़ने का उलमा इकराम ने फतवा दिया है। तो लिहाजा मैं जितने भी हजरात ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप बिला झिझक बिला फिक्र अपने घरों में, अपने फैक्ट्रियों में, अपने मकानों में, अपने दुकानों में अब मुसल्ला बिछा के 2 रकात चाश्त की नमाज पढ़ लें। और कल ईद का दिन समझ के लॉकडाउन नहीं है समझना नहीं है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन में आप सोशल डिस्टेंस वगैरह जो भी आपको करना है वो आप जो है, और बिलखसूस मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि ईद की खुशी में जो गले मिला करते हैं, कल खुदारा खुदारा गले ना मिलें, मुसाफा ना करें। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जहां गले मिलना, जहां मुसाफा करना मुसलमान के लिए इबादत है, उसका सवाब है। वबा के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके दौरे हयात में भी वबा आई थी, तो आपने सहाबा इकराम को हुक्म दिया था कि मुसाफा करना सुन्नत है मेरी, गले मिलना मेरी सुन्नत है, मगर वबा के वक्त में ना मिलना भी सुन्नत है पाक। तो लिहाजा इस पर अमल करें। रही बात ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हर साल हम लोग करते हैं, इंशाल्लाह देने वाले देते रहेंगे, लेने वाले लेते रहेंगे। मैं हर मुसलमान से गुजारिश करूँगा ज़्यादातर देने की कोशिश करें, अल्लाह ताला देने वालों को ज़्यादा कबूल फरमाता है।